बारे में बताएं, आप कौन हैं? मेरा नाम निशा है, आई लिव इन गोरखपुर। मैं स्कूल है मैं सेंट्रल एकेडमी। अभी मैं यहाँ पे नैनीताल में हूँ। अच्छा, किस लिए? हम लोग यहाँ पे कैंप पे आए हैं। अच्छा, घूमने के लिए। और कौन लेके आया आपको, किसने भेजा आपको? मुझे मेरे भैया ने भेजे हैं। क्या नाम है भैया का? परशुराम। और इस कैंप में क्या हुआ, 3 दिन में क्या क्या किया आपने? कैंप पे हम लोगों ने वो गेम्स किए हग करने का, और हम लोग ने डांस पार्टी भी किया था, और हम लोग प्ले भी किए, हम लोग गिटार भी सुने थे। हम लोग ट्रैकिंग के लिए भी गए थे, हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे थे। तो इस कैंप में आप लोग बस मस्ती मस्ती करे या कुछ अच्छा पढ़ाई भी करा आपने? हमने इस कैंप में बहुत अच्छा पढ़ाई भी की है। जैसे क्या क्या पढ़े बताइए। हमने कबीर के दोहे पढ़े हैं, और ऐसे रीडिंग्स पढ़े हैं माइंड्स में। और अभी तो हम लोग एक और रीडिंग कर रहे हैं, वो है परिवर्तन, ऐसे ही है परिपक्वता। परिपक्वता। ठीक है, आपने कहा कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े, आपको कोई दोहा याद है? हाँ, एक याद है, पर थोड़ा याद है। ठीक है, सुनाइए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली शीशे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या हुआ बताइए सबको जल्दी से। इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे ले मना, यानी कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। और इसके आगे माली सींचे सौ घड़ा, मतलब माली सींचे सौ घड़ा, इसका मतलब होता है कि माली जो है वो सब तो धीरे धीरे ही काम करते हैं ना, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते माली ने भी सौ घड़े। अच्छा, अभी आचार्य जी ऊपर बता रहे थे ना आर्यमान को कि जो पौधा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। हाँ, तो वैसे भी हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, और अनुश्री मैम कौन है, आपने उनके साथ बहुत सारी क्लासेस करी, उनके बारे में बताएं कुछ। अनुश्री मैम बहुत अच्छा हम लोग को समझाती हैं, और हम लोग को बहुत अच्छे से वो हम लोग से क्वेश्चन भी पूछती है जिसके आंसर हम लोग देते हैं, और वो तो हम लोग के साथ प्ले भी करती हैं, खेलती प्ले भी करती हैं। कल आपने प्ले किया था कोई? हाँ, हम लोग वहाँ पे से हम लोग डेकोरेट कर रहे थे वॉल को, तो वो अनुश्री मैम ने हम लोग की मदद की थी, और हम लोग के साथ ये बताए भी थे कि ये कहाँ कहाँ पे लगाने। और आज आप कैंप से रात को चले जाओगे, आपको अच्छा लगेगा घर जाके? नहीं। ओके, और एक चीज़ कोई अगर आपको बतानी हो जो आप इस कैंप से सीख के लेके जा रहे हो, जो आप घर पे जाके इस्तेमाल करोगे, दोस्तों को बताओगे स्कूल में, वो क्या है, कोई भी एक बात? घर पे जाके अपने दोस्तों को यही बताऊंगी कि मैंने उस कैंप में बहुत प्ले किया, और मैंने वहाँ से कुछ सीखा भी है कि मैंने यही सीखा है कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और किसी को भी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे उसे बहुत बुरा लगे, और किसी को ऐसे हमें जो भी फ्रेंड होते हैं वो फ्रेंड हो या ना हो हमें उनसे अच्छे से बिहेव करना। बहुत बढ़िया निशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बाय।